हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है राजीव आनंद। दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस की अगर ऑनलाइन डिटेल्स चेक करना चाहते हैं या आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कुछ डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं तो आप वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है, जिस वेबसाइट का नाम है sarathi.parivahan.gov.in। तो देखिए दोस्तों, मैंने वेब ब्राउज़र में अपने sarathi.parivahan.gov.in वेबसाइट डाल दी है, और जैसे ही मैं एंटरप्रेस करता हूँ तो एंटरप्रेस करने के बाद देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो गई। और सबसे पहले मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स चेक करने के लिए या अपडेट करने के लिए स्टेट्स को जो सेलेक्ट करना है, तो मैं हरियाणा में रहता हूँ जैसे, तो मैं अपनी हरियाणा स्टेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए, जैसे ही मैंने अपनी स्टेट सेलेक्ट की, नेक्स्ट जो है ये काफ़ी सारे ऑप्शन जो है ये ओपन हो गए, ये आपको जो है लेफ्ट में दिख रहे हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए, आपको ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए, आपको फिफ्थ नंबर पर एक सर्विसेज दिख रही है, सर्विसेज ऑन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल डुप्लीकेट AEDL और अदर्स। आपको सर्विसेज ऑन ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप नीचे आएँ और ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको पढ़कर आराम से कंटिन्यू कर दें। जैसे आपने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद देखिए, आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या है, आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस का जो है वो नंबर डालना है। तो जैसे ही अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस का जो नंबर है वो हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस के टॉप पर दिया गया होता है, तो ये नंबर मैंने उसमें पुट किया। और इसके साथ मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ को मैंशन किया और गेट DL डिटेल्स पर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने गेट DL डिटेल्स पर क्लिक किया, ये देखिए, ये मेरी जो है ड्राइविंग लाइसेंस की पूरी डिटेल सामने आ गई। यहाँ से मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मेरी कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, मेरे फादर्स नेम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो, डेट ऑफ बर्थ की अगर कोई मिस्टेक है, ब्लड ग्रुप की कोई मिस्टेक है, आपके एड्रेस की कोई मिस्टेक है, ये सारा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आपको आपके ड्राइविंग लाइसेंस की इशू डेट एज वेल एज आपके ड्राइविंग लाइसेंस की जो एक्सपायरी डेट होती है, वो वैलिडिटी पीरियड, वो भी मेंशन होता है। आप इसके अंदर अगर आप कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस में अगर कोई प्रॉब्लम है। अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं तो फाइनली अगर आपकी ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म है तो यस कर दीजिए, अगर आपकी ये कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इसको नो कर सकते हैं। तो जैसे मैं यस कर देता हूँ, मेरी सारी जो इन्फॉर्मेशन है ड्राइविंग लाइसेंस की वो प्रॉपर है। अप्लाइंग टू स्टेट, मैं यहाँ पर गया, मैंने हरियाणा सेलेक्ट किया। RTO, आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस का जो ऑफिस है, जो मेन RTO ऑफिस होता है आपके शहर का, वो आपको यहाँ एंटर कर देना है। तो ये एंटर करने के बाद फाइनली पिन कोड डालना है अपने एरिया का, तो मैं अपने एरिया का पिन कोड जो है वो मेंशन कर देता हूँ और देन आई क्लिक ऑन प्रोसीड। जैसे ही मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया, देखिए ये सारा आ गया। यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर को भी अपडेट कर सकते हैं और अपने एम्प्लॉयर कैटेगरी को भी आप फाइनली अपडेट कर सकते हैं। फाइनली सारी डिटेल्स अपडेट करने के बाद, आप मोबाइल नंबर को अपडेट करने के बाद, अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आधार कार्ड को भी लिंक किया जाएगा, तो आधार कार्ड के लिंकिंग का जो लिंकिंग होगी वो भी आपको इसी कॉलम में मिलेगा। और फाइनली आपको अपनी डिटेल अपडेट करने के बाद यहाँ से कंफर्म पर क्लिक कर देना है। आपकी ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट जो है वो अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो वो कम हो जाएंगी। और उसके बाद ये कुछ एक सर्विसेज हैं जो आप सर्विसेज में, जिस भी सर्विसेज को आप लेना चाहते हैं, आप नेम चेंज कराना चाहते हैं या आप कोई रिप्लेसमेंट चाहते हैं या आप कोई एडिशनल एंडोर्समेंट चाहते हैं या आप अपने एड्रेस में चेंज करना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ में चेंज करना चाहते हैं या आपको कोई डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस इशू करवाना है या बायोमेट्रिक्स में अगर आपको कोई चेंज करवाना है, ये सारे चेंजेस आपके सामने आ गए। आप यहाँ से चेकबॉक्स पर क्लिक करके फाइनली जो है वो अपडेट प्रोसीड पर क्लिक कर दें। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको जो एक प्रॉपर रिक्वेस्ट आईडी मिल जाएगी या फिर आपको गवर्नमेंट से कॉल आ जाएगा और आपको प्रॉपर एक डेट मेंशन हो जाएगी जिस डेट पर आप ड्राइविंग लाइसेंस के ऑफिस जाकर अपने भी एरिया के और फाइनली जो है अपने ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स को चेंज या अपडेट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।